guys, we have woken up on the third day of our journey. और अब भी हम जा रहे हैं फुटकल मोनेस्ट्री, द हिडन जेम ऑफ जेंसकार. इट्स टाइम अराउंड 6:30 AM. निकलते हैं, थोड़ा सा ट्रैक करना है, थोड़ा सा बाइक जाएगी और देखते हैं आज हमारी कुछ ज़्यादा ऐसी तैसी ना हो जाए. और ये हमारी राइडिंग हो रही है. His brother Ashok Chaudhary Wanderlust Sparrow. He has been around Asia और बहुत राइडिंग करते हैं. Do subscribe to his channel also. मेरे तो सब्सक्राइब कर ही लेना भाई. We are going. We came yesterday. उस रास्ते से हम आए थे, अब इस रास्ते पे जाएंगे. तो बेसिकली फुटफर मोनेस्ट्री का ये रास्ता है जो पार्ट ऑफ मोनेस्ट्री. तीन चार घर हैं यहाँ पे, मुश्किल से एक ही परिवार के हैं, मतलब सारा कुछ घर. टर्कोइज वाटर है और हम देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पानी. वो लाल पहाड़ है, ये ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस, नीचे टर्कोइज वाटर. यार 4 किलोमीटर का ये बाइक राइड कर रहे थे और फिर यू कैन सी दैट पाथ ओवर देयर, वो जाता है फुटकल मोनेस्ट्री जो भी है. तो अभी वहीं जा रहे हैं हम. ये जो रास्ता है जो आप देख रहे हो, ये रास्ता लेते हुए अभी हम ट्रैक करेंगे. पानी की बोतल वगैरह हमने कैरी कर ली है, ड्रोन हमने अपना ले लिया है. तो ड्रोन पता नहीं बेचारा कल क्रैश कर गया था, हमने रात को उसको फेविक्विक और टेप टूप लगा के बेचारे को किसी तरह उसके पांव हाथ जोड़े हैं. चलेगा कि नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है, बट लेके तो जा रहे हैं. वहाँ जाके देखते हैं कि क्या होने वाला है. सो गाइस, सी यू ऑन द ट्रैकिंग वाला रास्ता. आई थिंक वहीं से कहीं से उतरता है ट्रैकिंग का रास्ता. तो चलते हैं, हम करना शुरू करते हैं अपना ट्रैक. यहाँ से अब हम ट्रैक शुरू करते हैं. दिस इज़ जस्ट अ पाथ. थोड़ा सा हमने बाइक आगे ले गए थे कि वहाँ से मोड़नी आसान है. तो अब यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट कर, घंटे का ट्रैक बताते हैं. लेट्स सी हमको कितना टाइम लगता है. अभी बजे हैं अराउंड 7:15. तो 7:15 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं. मतलब आधा घंटा हमको लगा पूर्णे में जो डोलमा होमस्टे है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में. और अगर यहाँ से 1 घंटा लगता है उतरने में तो आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. लगेगा टाइम तो आने में ज़्यादा लगेगा. तो देखते कितना टाइम लगता है, कितनी जल्दी कवर करके हम आ सकते हैं ये एरिया. तो ट्रैकिंग का रास्ता कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर सा. ब्रदर मेरे से आगे चल रहे हैं. ब्रदर चढ़ गए हैं ऊपर, हम भी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे. पतले से रोड है लेकिन सही है रास्ता. रास्ता काफ़ी नैरो है, बहुत जगह तो काफ़ी ज़्यादा नैरो है. आइए आगे, थोड़े से सांस फूले, थोड़े बहुत बेसिकली शेप्स ऑफ द नेचर कितने ब्यूटीफुल ये बना रखे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं इनको देखो. ये हवा ने काट काट के बेचारे. और ये हमारा रास्ता, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर जाती है तो भाई फट जाती है. नीचे जाने में ही ठीक लगता है. ये वापसी में आने में हमारी अच्छी खासी ऐसी तैसी होने वाली है, मेरे को दिख रहा है कि आगे जीत तो पता नहीं है कि नहीं है. गाइस अभी 15-20 मिनट हो गए और ये रास्ता आपको दिख रहे हो कि इस रास्ते से हमने जाना है.
तो अभी ये रास्ता ऐसे ऐसे करके अभी बहुत दूर आगे जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको पार करने के बाद ही हम कहीं पहुंच पाए। तो बहुत ही नैरो रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा नैरो पाथ है जिससे हम जा रहे हैं। ठीक है, ये लैंडस्लाइड टाइप हुई हुई है, उसी पे हम पैर रख रख के। तो रास्ता कुछ ऐसा है, वो ब्रदर ऊपर जा रहे वैसा रास्ता है, एकदम नैरो और नीचे नदी। भाई अगर आओ तो ये ट्रैक करना तो मस्ट है जंस्कार में, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया जंस्कार में। बहुत ही ब्यूटीफुल फुटकल मोनेस्ट्री का जो ट्रैक है, एक अलग सी फीलिंग देता है भाई, बहुत ही अलग सी। आई एम रियली फीलिंग गुड, सोच भी नहीं सकता कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कहीं जाने का। तो अगर इसको हिडन जेम कहते हैं तो सही है बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये देखो टर्कोइस ब्लू, क्या क्लीन पानी है नीचे, मतलब पत्थर साफ दिख रहे हैं, इतना साफ पानी है। अब ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ये सरचू नदी है, सरचू के पास से कहीं से आ रही है। इस मुझे लगता है हम पहुँचने वाले, वो पुल अब दिखाई देने लग गया और आई थिंक उसके सामने कहीं होनी चाहिए। अब पता चला उसके आगे भी बहुत जाना पड़ा तो लग जाएगी। तो अरे अभी तो धीरे धीरे, पता नहीं कितना लंबा है, 2 किलोमीटर तो होगा, 2 या 3 किलोमीटर, पर आइडिया नहीं है। 50 मिनट से ऊपर हो गए अभी हमको चलते हुए, तो अभी तो वी आर जस्ट चल ही रहे। नहीं है ऊपर ट्रैकिंग है आगे, और तो भाई लोग चले जा रहे हैं वैसे तो, और कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा, ऑप्शन भी कोई नहीं है, कोई ऐसा पैराशूट पुरशूट लगा के उड़ के चले जाए। कश ये है भाई लोगों कि यहाँ पर है 2 ब्रिज, एक ये है पक्का, एक वो है कच्चा पक्का सा। अब ब्रदर कह रहे हैं मैंने उसी पे से जाना है, तो भाई वो वाला ब्रिज थोड़ा टूटा फूटा सा लग रहा है, सही से नहीं लग रहा जाने के लिए, पर अब जाना है तो जाना है। अरे थोड़ी जर्जर लग रही है यार, ये वाला ठीक है। मोनेस्ट्री का गेट दिखने लग गया, वो जो है मोनेस्ट्री का गेट है, आई थिंक उसके आगे ही मोनेस्ट्री है। सो चलो चले, मैं तो पक्के वाले से जाऊंगा, मैं इस कच्चे वाले से नहीं जाता, रिस्की ज़्यादा ही लग रहा है, पर भाई साहब जाएंगे तो जा सकते हैं। तो जी ये लकड़ी वाला ब्रिज ले लिया, पक्के वाला, कच्चे वाले की हिम्मत नहीं हुई, इसी से चलेंगे। चल रहा है, आपको जोश चढ़ा है इससे आने का, टूटे फूटे ब्रिज से, नीचे तेज पानी बह रहा है और ये बड़ा रिस्की सा काम है क्योंकि ये यूज अब में नहीं है ब्रिज मोस्ट प्रोबेबली, बट भाई साहब ने जिद छान ठानी है कि इसी से आना है तो आना है। आसान नहीं है, ध्यान से जो बड़ी वाली लकड़ी है उस पर पैर रख के आना पड़ रहा है, बहुत बड़ी डर सबको रखता है, लेकिन डर क्या है इसी। तो मेरे पीछे आप पाइपलाइन देख रहे हो, ये पाइपलाइन मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबली क्या पानी लेके जा रही है बेसिकली मोनेस्ट्री को,
तो बांध होता है, बांध से पाइप खींच देते हैं, पर काफ़ी मोटा पाइप है, आई थिंक काफ़ी पानी जाता होगा। आई डोंट नो कितने लोग रहते हैं, इसके हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना पानी लेके जाते होंगे। तो पहुंच गए हम ऑलमोस्ट मॉनेस्ट्री, अब गेट दिख रहा है इसके पीछे। सो फाइनली रीच द फुकथर मॉनेस्ट्री, और यहाँ से जो व्यू है वो जस्ट अमेजिंग है। एंड लुक एट दिस मॉनेस्ट्री फ्रॉम राइट फ्रॉम वेयर वी एंटर, ऑसम यार। गुफा सी के अंदर में कैसे बनी हुई ये मॉनेस्ट्री, मैं भी सोचूं इतना पानी की क्यों जरूरत पड़ती है, इतनी सारी जगह है, बता नहीं सकता क्या पागलपन है यार। ये मॉनेस्ट्री बनाने में सच में पागलपन है। लुक एट द व्यू ऑफ दिस मॉनेस्ट्री यार, दिस इज सुपर ऑसम, मीन्स वन ऑफ अ काइंड मॉनेस्ट्री। अगर इसको देखे जबरदस्त है यार। नेक्स्ट तो बड़ी मुश्किल से मैं भी पंगा लिया, मैं भी ऑलमोस्ट पहुंच गया था नीचे तक, मेरे को भी ब्लड ब्लड आ गए, चोट वोट लग गए, लेकिन ये सर लेके आए हैं हमारा ड्रोन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। टूटा तो नहीं कुछ भी लग रहा, नहीं दो बार दबाओ, एक बार दबा के। तो बड़ी मुश्किल से हमने रेस्क्यू किया, बहुत पंगे किए, मैंने भी आधा रास्ता उतरा, सर तो फटाफट से उतर गए और ले आए। तो यहाँ पे प्रोपेलर भी महंगा पड़ा थोड़ा सा, फोन भी आ गए इनके अच्छे गए, और इसकी प्रोपेलर भी ये पूरा बहुत सुपर अमेजिंग व्यू, नेक्स्ट लेवल। क्या नाम हुआ हा? आपका नाम? हमारा नाम थॉमिक। थॉमिक, तो थॉमिक सर मिले हैं हमको, तो मॉनेस्ट्री से आ रहे थे ये, तो पूछते हैं, बताया है कि 2000 साल पुरानी मॉनेस्ट्री है ये, और 100 लोग रहते हैं, 100 के करीब, 100 से ऊपर रहते हैं, 100 से ऊपर लोग रहते हैं, हमेशा रहते हैं, सर्दी गर्मी सब टाइम? नहीं अभी अभी तो आधा कोई उधर साउथ में गया, साउथ में, साउथ में। तो अभी कब कितना लोग है? अभी कम से कम 50 है। 50 और सर्दियों में भी रहता है, बर्फ गिरता है इधर, बर्फ गिरता है, बर्फ में भी रहता है? बर्फ में रहता है। अच्छा, तो कितने गांव का मॉनेस्ट्री है ये, आसपास का सारा गांव पूर्ण? इसके आगे भी गांव है? हाँ। इसके आगे गांव है? इसके आगे गांव है। कौन सा? इसके पीछे गांव है। इसके पीछे भी गांव है? हाँ। इसके आगे भी गांव है? आगे। कौन सा गांव है आगे? शाते। इस साइड आगे गांव है? हाँ। शाते? शाते। ये सरचू से आ रही है? अच्छा, ये आगे कहाँ पहुँच जाता रास्ता, ये नदी कहाँ से आ रही है? नदी वो ये उधर शिंकुला से पीछे से आते है। शिंकुला को तो जा रही है, शिंकुला से पीछे से आता है। अच्छा, ऐसे घूम के आते। अच्छा, बहुत लंबा दूर से आता है, बहुत दूर से आता है। इसके पीछे यहाँ पे गांव है, इसके अंदर इधर पीछे चले जाओ तो गाँव है, ऐसे इस नदी नदी के साथ तो गाँव है। क्या नाम है गाँव का? गाँव का शून बोलते है। शून, बाप रे, आप लोग बहुत हिम्मत है आप लोगों का, बड़ा ही कठिन स्थिति में रहते हैं पर हर जगह पे बसे हुए हैं भाई, इस एरिया में जहाँ पर कि सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है, कैसे लोग ही रहते हैं। तो मॉनेस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा है, पत्थरों से बनाया हुआ है, काफी टॉप पे आ गए, ऊपर देखो तो वहां पर मेन जो पार्ट है उस गुफासी में बना हुआ है, कितना ओवर हैंग है, और इधर से नीचे दिखाता हूँ मैं तो नीचे की साइड ये पूरी मोनेस्ट्री है, और इधर से नीचे देखो बिल्कुल एकदम स्टीप है। वाओ, मतलब बंदा यहाँ से जाएगा तो सीधा नीचे ही जाएगा नदी तक, है ना? नहीं, सीधा ऊपर जाएगा। अच्छा, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबरदस्त व्यूज है। यहाँ आने के लिए हमने अपने ड्रोन का दोबारा क्रैश करा दिया,
और उसको पकड़ने के लिए भी लाने के लिए भी हमने स्पाइडरमैन बन के नीचे गए, चोट चोट खा ली है सारा कुछ, लेकिन एक बंदा मिल गए थे लोकल, उन्होंने उठा लाए। पूरे ड्रोन मेरा क्रैश ही कर रहा है लास्ट टाइम से, और बहुत मजा आया। ये पुतकल मोनेस्ट्री हम फाइनली पहुंच गए, एंड रियली काफी चढ़ाई है इस। ये देखो हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच गए, और ये मोनेस्ट्री के जो गुफा हमको दिख रही थी वो ये है, ये पूरी गुफा है। अगर देखे तो ये गुफा वाला जो मोनेस्ट्री पार्ट है वो यही सारा। मैं इतना बड़ा है कि मैं इसमें कैप्चर नहीं कर पा रहा, थोड़ा पीछे से जाके हम देखने की कोशिश करते हैं तो दिखेगा, जबरदस्त है। तो जो इसके अंदर गुफा है, गुफा के अंदर ये पूरा टेंपल बना हुआ है, और ये नीचे तक जाता है ऐसे। काले होते हैं पूरे, ये पूरे और ब्लैक है। तो अभी चलते हैं अब अंदर, लेट्स सी व्हाट इज देयर इनसाइड दिस टेंपल। तो मोनेस्ट्री के अंदर काफी कुछ रखा हुआ है, चढ़ के चलते अंदर। वाह, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये बहुत बड़ा है पूरा कंपाउंड, जबरदस्त। तो ये सर्दी वगैरह के लिए पूरी लकड़ी वगैरह का इसमें प्रबंध रखा हुआ है, बहुत जबरदस्त। गुरुजी हैं यहाँ पर, काफ़ी सीनियर लामा हैं। तो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको 7:30 बजे हमने ट्रैक शुरू किया था, 10:30 हो चुके हैं। 3 घंटे में 1 घंटा ड्रोन ढूंढने में भी, उसके साथ करने में भी बीता, और यहाँ पे भी काफ़ी बैठ के काफ़ी शांति भरा अच्छा सा फीलिंग आ रही है। तो बस अब चाय पी के विल गो बैक, 1-1.5 घंटा जाने में लगेगा, फिर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12 बजे के करीब हम मोस्ट प्रोबेबली निकल पाएंगे वापसी के लिए, 12-1 बजे तक पदुम के लिए। बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक ऐसी मोनेस्ट्री एकदम छुपी हुई पहाड़ों के बीच में जिसके बारे में किसी को नहीं पता, बहुत अच्छा लगा। और चाय नेक्स्ट लेवल है, ब्लैक टी है, बहुत मज़ा आया, एक अच्छी सी फीलिंग भी आ रही है। पीछे देखोगे गुफा के अंदर हम बैठे हुए हैं बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा सर आपका, थैंक यू सो मच। और अब हम वापसी जर्नी शुरू करेंगे। अपनी बाइक के पास पहुंच गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 12:15। तो देखो हम 7:15 चले थे, 12:15, 5 घंटे पूरे लग गए हमको, 1 घंटा ड्रोन ढूंढने में ही लगा। तो अब हम एंड करते वीडियो और चलते अपने पुरने, और फिर वहाँ से अभी देखो फिर कितना टाइम लगता, मुझे लगता 2-3 तो बच जाएंगे निकलते निकलते। चलो तो इस वीडियो को ये एंड करते, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।